बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने में एक कदम बढ़ाएं। ज्वाइन के बटन पर जाकर एक कदम भीम मिशन की ओर को ज्वाइन करें। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार आज आपके बीच एक सबसे बड़ी जानकारी और एक सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूँ। साथियों, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को आप उनके पास जरूर पहुँचा देना जो बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी का विरोध करते हैं, अपने ही बहुजन समाज के व्यक्ति। अगर आप भी विरोध करते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें। अगर आप बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी का समर्थन करते हैं, उनके काम का सपोर्ट करते हैं, जो वो ऐलान करते हैं, वो बयान देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करके जो विरोध करते हैं उनके पास भी अवश्य शेयर कर देना। और आप भी इस वीडियो में बने रहिए और हम बहुत ही ज़्यादा बड़े आज की इस वीडियो में हम खुलासा करने वाले हैं। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी को हर प्रकार की राजनीति करनी पड़ती है, यानी हर समाज के बारे में सोचना पड़ता है। अपने समाज के बारे में तो सोचते ही हैं। आप ये बात बताइए, हमको पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा जो विरोध करते हैं, कि आपके लिए बहन कुमारी मायावती जी व अखिलेश यादव जी ने गलत कब किया? कब गलत किया? आपके लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा ही किया। आपके लिए तो हर समय वो अच्छा ही सोचते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात आपके लोगों पर हो रहे, बहुजन समाज के व्यक्तियों पर हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार बोल रहा है। बहुजन समाज के व्यक्तियों पर जब उत्पीड़न व अत्याचार होता है तो बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी मिलकर आवाज़ उठाते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिए। जब वो व्यक्ति किसी अन्य समाज के बारे में बोलते हैं, अन्य समाज के व्यक्ति पर अगर उत्पीड़न व अत्याचार हो जाता है, तो अगर वो उनकी आवाज़ उठाते हैं तो आप लोग उनका विरोध क्यों करते हैं? ये सवाल आप भी, ये भी आपसे एक मेरा सवाल है, आप ये भी बताएं कि आप उनका विरोध क्यों करते हैं? क्या उनको अधिकार नहीं है अन्य समाज की आवाज़ उठाने का? आपके साथ तो खड़े ही हैं ना, आपके साथ खड़े हैं, आपको और क्या चाहिए? आपके हित के बारे में सोचते हैं। जब उनकी सरकार आती है तो आपके लिए कभी उन्होंने गलत नहीं किया, आपको कभी प्रताड़ित नहीं किया, तो फिर आप उनका क्यों विरोध कर रहे हो? वो राजनीति है, राजनीति में जो इंसान नहीं करना चाहिए था वो भी करना पड़ता है। जिस इंसान को राजनीति में, जैसे कि समाज के व्यक्ति नहीं चाह रहे कि हमारा नेता ये काम ना करे, ये ऐलान ना करे, पर फिर भी साथियों राजनीति में वो ऐलान उनको करना पड़ता है। तो साथियों, अगर वो ऐलान करते हैं, समाज के व्यक्ति अगर नहीं चाहते इस ऐलान का, और वो ऐलान अखिलेश यादव जी और बहन कुमारी मायावती जी कर देते हैं, तो आप लोग उनकी टांग खींचने लग जाते हो, तो ये आपकी गलत बात है। आज वो ऐलान अन्य समाज के महापुरुषों के लिए कर रहे हैं, कल वो आपके महापुरुषों के लिए भी करेंगे, तो अगर वो विरोध करें तो आपको कैसा लगेगा? तो साथियों, आप राजनीति को समझिए। आपके ऊपर अन्य राजनीति पार्टियां राजनीति कर चली जाती हैं, आप अपने ही बहुजन समाज के नेताओं को मौका नहीं देते हो। मौका उनको दीजिए, उनको भी राजनीति खुल के करने दीजिए। और ये मेरा वादा है आपसे कि बहुजन समाज के नेता अपने बहुजन समाज के लिए कभी गलत निर्णय नहीं लेंगे। ये साथियों पूरा समाज जानता है, पूरा समाज जानता है, और हर बहुजन समाज का व्यक्ति जानता है कि आज तक के रिकॉर्ड में बहन कुमारी मायावती जी व अखिलेश यादव जी ने कभी बहुजन समाज के व्यक्तियों के लिए गलत निर्णय नहीं लिया है। बेशक उन्होंने अन्य समाज के साथ खड़े हुए हैं, उनका हक है, उनका फर्ज है, सभी समाजों के साथ खड़ा होना उनका फर्ज है, साथ ही उनका ये काम है। राजनीति में उनको हर कार्य करना पड़ेगा, जो समाज नहीं चाहेगा वो भी कार्य उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं वो आपके ही भले के लिए कर रहे हैं। आप उसे गलत ले जाते हो, ये आपकी बिल्कुल गलत बात है। साथ ही हम आपको बता दें, चाहे कैसा भी मैटर हो दलित समाज के व्यक्ति पर, चाहे कहीं पर भी उत्पीड़न हो, तो बहन कुमारी मायावती जी ट्वीट करती हैं, अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं, अब तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी ट्वीट करते हैं। तो आप वो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी का ट्वीट अलग तरीके का होता है, और बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी का ट्वीट अलग तरीके का होता है। तो आप जो कि बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी को गलत सोच लेते हो, क्योंकि वो राजनीति देखकर ट्वीट करते हैं, क्योंकि राजनीति पर कोई आँच ना आनी चाहिए। और राजनीति पर साथियों आँच आ गई, अपने बहुजन समाज के व्यक्ति, अपने बहुजन समाज के नेता अगर राजनीति नहीं कर पाएंगे तो आपका भला कैसे कर पाएंगे? अपनी सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे तो समाज का भला कैसे कर पाएंगे? ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। तो आपसे मेरा आखिरी यही सवाल है कि जो विरोध करते हैं, अपने नेताओं का विरोध करते हैं बहुजन समाज के व्यक्ति, वो पहले देख वाले सभी कार्य देखें, आखिर क्या हो रहा है, और
जो बीता हुआ कार्य है उसे भी देखें, आने वाले और जो हो रहा है उसे भी देखें, जब निर्णय लें जब उनका विरोध करें। बहुजन समाज के नेताओं ने कभी आपके लिए गलत नहीं किया और ये पूरा समाज जानता है, ना ही वो आने वाले टाइम में आपके लिए गलत करेंगे। बेशक वो अन्य समाज के महापुरुषों का सम्मान करते हैं, तो साथियों करने दीजिए, अपने समाज के लिए तो बहुत अच्छा सोचते हैं ना, ये बात पर ध्यान दीजिए। आपको उनके अच्छे कार्य नहीं दिखते, गलत कार्य दिखते हैं, गलत कार्य देखने के बाद उनकी आप उनकी टांगें खींचने लग जाते हो, ये गलत बात है। आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें कि आप ऐसा क्यों करते हो, ये भी आप कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। मैं पूरे समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुजन समाज के कुछ व्यक्ति ही ऐसा कार्य करते हैं, क्योंकि उनकी आँखों पर ऐसा काला चश्मा दिखाई चढ़ा दिया है किसी ने, तो उनको समाज के नेताओं का कार्य नहीं दिखता है। तो प्लीज़ अपनी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी घंटी को आवाज दबाएं। इस चैनल का उद्देश्य गरीब दलित शोषित वंचितों पर हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार की आवाज़ उठाना। जय भीम।